तो हमारे अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर चलते हैं इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम अ पिस्टन विद अ एरिया ऑफ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर पुशेस ऑन अ लिक्विड विद अ फोर्स ऑफ 38 न्यूटन द फार एंड ऑफ हाइड्रोलिक पाइप कनेक्ट्स टू अ सेकेंड पिस्टन विद अ एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड पिस्टन बच्चों एक मिनट का समय देता हूं मैं आपको आप स्वयं प्रयास करें तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर बच्चों ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके एक एंड पे आप फोर्स लगा रहे हैं इनपुट दे रहे हैं उस एंड का एरिया है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने फ़ोर्स अप्लाई करा है थर्टी एट न्यूटन का तो पासवर्स लॉ अप्लाई करना है हमको पता है कि एक एंड पे जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वही एक्सेस प्रेशर हमारे दूसरे एंड पे भी एक्सपीरियंस होगा तो ये कुछ उसी तरीके का एग्जांपल है बच्चों हमारा लेफ्ट एंड पे जो प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ वन बाई ए वन सो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट एट वन इंटू टेन के पार फोर पास्कल्स। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है अब बच्चों इतना ही प्रेशर दूसरे एंड पे भी एक्सपीरियंस होगा तो दूसरे एंड पे लगने वाला फोर्स क्या होगा दिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द अदर एंड बिकॉज दिस प्रेशर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पाइप सो द प्रेशर ऑन द सेकेंड पिस्टन इज सेम एज दैट ऑन द फर्स्ट पिस्टन कैलकुलेट करने पे बच्चों आंसर आता है 1.81 पॉइंट एट की पावर 2 न्यूटन यानी कि बच्चों आपने इनपुट दिया 38 न्यूटन का और आउटपुट मिला आपको 181 न्यूटन का तो ये तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मशीन है काफ़ी कमाल की मशीन है